नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह अभियान के अंतर्गत वन क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्ट करने वाले रेंज अधिकारियों, वन कर्मियों और कर्मचारियों को रिजर्व प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। टाइगर रिजर्व द्वारा मर्यादो किशनगढ़ और किशनगढ़ कोर में तैनात वन अमले को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। डिप्टी डायरेक्टर झरांडे ईश्वर राम हरि, वन मंडल अधिकारी मीना मिश्रा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में किशनगढ़ रेंज की पेंटिंग और चित्रकला के प्रथम और तृतीय पुरस्कार दिया। किशनगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह नरगेश को प्रबंधन ने सम्मानित करते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए चुना। इस प्रकार किशनगढ़ कोर अधिकारी कैलाश बामनिया को उनकी रेंज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वन परिक्षेत्र मर्यादों को पेंटिंग वन्य जीवों की देते हुए सम्मानित किया गया और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चंद्र प्रकाश प्यासी ने शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। साथ ही राज सिंह कुशवाहा, आलोक उपाध्याय, जितेंद्र सेन सहित कई वन कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को भी प्रबंधन ने सम्मानित किया। वन संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा कोर जोन और बफर एरिया में शासकीय भवनों और वन परिसरों में पेंटिंग और चित्रकारी कराई थी, जिसमें मर्यादो किशनगढ़ और किशनगढ़ कोर एरिया वन परिक्षेत्र में इस अभियान के तहत छात्र छात्राओं और वन कर्मियों के दीवारों पर वन्य जीवों के चित्र और पोस्टर लगवाए गए थे। साथ ही वन्य जीवों की मूर्तियां बनवाई गई थी ताकि लोग वन्य जीवों के महत्व को समझे और प्रकृति और जीवों से प्रेम करें और जंगलों के महत्व को समझे। विभाग द्वारा इसके लिए खास तैयारियां भी की गई थी, जिसमें उत्कृष्ट पेंटिंग और कलाकारी के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। अब विभाग अपने कर्मचारियों को सम्मानित कर इनका उत्साहवर्धन कर रहा है। अभियान में वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हर्षी भार्गव किशनगढ़ रेंज से, राजेंद्र सिंह नरगेश और किशनगढ़ कोरिया से कैलाश बामनिया द्वारा रोज नए नवाचार कर रेंज क्षेत्रों ने सराहनीय कार्य किए गए हैं। क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है, उसमें इस वर्ष कोविड के चलते कुछ अलग अलग प्रतियोगिताएं अलग ढंग से मनाई गई। इनमें बाल सखा दीवार चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि हमने इको पर्यटन क्षेत्र गौमुख की दीवार पर वनकर्मियों, ग्रामीणों और स्कूली छात्रों के सहयोग से 6x8 फुट की एक वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश देने वाली पेंटिंग हमने उस पर तैयार की। इसके अलावा प्रत्येक बीट मुख्यालय पर मिट्टी का जादू मूर्ति कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भी जो है प्रत्येक बीट गार्ड के साथ में 4 स्कूली बच्चे और ग्रामीण साथ में रहकर 1 फुट तक की मूर्ति तैयार की गई। इनमें से परिक्षेत्र में पहले 3 स्थान पर आने वाली मूर्तियों को वनमंडल पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर भेजा गया, ताकि उनमें वनमंडल स्तर का चयन हो सके। इसके अलावा कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान किया गया और दिनांक 7 तारीख को सभी प्रतिभागियों को, जो कि वनमंडल स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय अलग अलग प्रतियोगिताओं में आए हैं, उनको पुरस्कार प्रोत्साहन